इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। रहमानी रहीम, आज हम तमाम लोग जो इस वक्त जो हमारे यहाँ पर ये सीरत के मौके पर ये जो हमारा जो प्रोग्राम मुनक़द किया गया है ब्लड का, उस लिए हमारे यहाँ के तमाम हमारे अशोक नगर के ये हमारे जो प्रोग्राम जो है मस्जिद अक्सा यंग कमेटी के जानिब से ये सीरत के मौके पर ये ब्लड का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे अपने खुशी के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और इससे ये आज का जो प्रोग्राम है एक दुनिया के लिए एक पैगाम है, एक दुनिया के लिए एक ये हमारे प्रोग्राम जो रखा गया है, इससे क्या है अल्लाह ताला जो है किसी के एक बीमारी है तो उसकी ज़िंदगी में सेहत आता फरमाते हैं वक्त के हिसाब से। अगर उस वक्त जो है अगर कोई उस वक्त का अगर कोई पैसे दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन ये जो खून जो देगा एक किसी की ज़िंदगी बचती है, किसी का एक खानदान खुशहाल होता है। तो मैं सबसे इंतज़ार करता हूँ कि ऐसे कामों के लिए लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ये नेक काम है और अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज अशोक नगर मस्जिद अक्सा यंग कमेटी के जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है बेलगाम ब्लड बैंक के जानिब से। सीरतुन नबी जो मिलाद के दिन ही रखना था, तो ये महीना जो चल रहा है मिलादुन नबी का ही, तो एक हुजूर के नक्श कदम पर चलने के लिए जो हुजूर हमारे को मैसेज बताएँ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका नमूना हम नहीं बता सके मिलाद दिन मिलाद के मौके पर जो डीजे लगा कर वगैरह, तो एक अलग मैसेज गया है उसके लिए हम मस्जिद अक्सा यंग कमेटी की जानिब से हम उसके लिए तहे दिल से हम अपोलॉजी मांगते हैं जो सोसाइटी में हम मैसेज देना था नहीं दे सके, और जो यूथ्स हमारे गलत कामों में लगे हैं तो उसको एक अट्रैक्ट करने के लिए और उनको सोसाइटी की तरफ खींचने के लिए एक जो प्रोग्राम रखा गया है कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है और ये क्या पैगाम देना है, इनके काम क्या है, ये बताने के लिए जो आज ब्लड कैंप रखा है इसमें पूरे अशोक नगर के नौजवान खूब चढ़कर हिस्सा लिए हैं। ऑलमोस्ट अभी 15 लोग कैंप में हिस्सा ले चुके हैं, तकरीबन हमारे 30 से 40 बच्चे इसमें हिस्सा ले बोलकर हमारा अंदेशा है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस साल जो है 12 रबीउल अव्वल को जो है ये प्रोग्राम रखा गया है। आज तकरीबन 30 से 40 का टारगेट है हमारा, इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अभी तकरीबन 15 तो हो चुके हैं, इंशाल्लाह आइंदा साल जो है 12 रबीउल अव्वल को जो है इसकी जो है कसीर तादाद में इसकी दावत देकर और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवानों को जो है ब्लड डोनेशन के अंदर जो है शामिल हो बोल को हमें इनकी दरख्वास्त करते हैं हमें इससे। और ब्लड देने से क्या है अपनी खुद की सेहत अच्छी रहती है और दूसरों को भी इसका जो है फ़ायदा होता है, जिसे भी हमारा जो ब्लड लगेगा वो भी उसके ख़ानदान को जैसा हमारे सदर साहब बोले उनकी भी जो है ज़रूरत पूरी होती है और हमारी भी सेहत अच्छी रहती है। तो इसके असर नौजवानों से दरख्वास्त है कि गलत शौकों के अंदर मुलविज नहीं होना और जो है अपनी सेहत की तंदुरुस्ती की आप खुद फिक्र करना और जो है हर 3 महीने या 4 महीने को जो है ब्लड देने की कोशिश करें। ये जो है हमारा मस्जिद अक्सा यंग कमेटी अशोक नगर की जानिब से है।
वालेकुम। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो रखा गया था अशोक नगर यंग कमेटी की जानिब से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि ऐसा कैंप रख के जो नौजवानों को फ़ायदा हो रहा था, और उसी के साथ साथ जो अभी बीमार जो रहते हैं उनको मदद करना एक हमारे इस्लाम में बहुत अच्छी नेकी की बात है। और दूसरों को ब्लड का बहुत आजकल मसले चल रहे हैं, उसी के साथ साथ बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮಸೀದಿ ಅಕ್ಸಾ ಯಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು 40-50 ಮಂದಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೂ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಾಂ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ 24 ಗಂಟೆನೂ ಚಾಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರಲಿ, PCV ಇರಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರಲಿ, 24 ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ.